हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए क्लास नाइन्थ के मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11, 10, 9 ये सब ऑलरेडी हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए बोला है सत्यापित कीजिए, इसको सत्यापित करना है हमको। यहां से यहां एक टर्म है LHS जिसको कहते हैं, और इधर क्या है RHS। हमको ये सत्यापित करना है, यानी बराबर लाना है कि बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, LHS को अगर पकड़ते हैं, क्योंकि LHS का हमको फॉर्मूला याद है। LHS का फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, तो हम इसी को कायम पकड़ेंगे। क्या जब इसका हमको फॉर्मूला याद है तो इसी को पकड़ते हैं, लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता क्या है, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है x प्लस वाई प्लस जेड फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब देखिए अब इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, क्या करना है मॉडिफाई, देखिए यहाँ पे क्या है हाफ है मल्टीप्लाई में, क्या हाफ है कि नहीं। अगर हम टोटल को दो से भाग कर दें तो दो से भाग करेंगे तो दो से ऊपर गुना भी करना पड़ेगा, तब दो दो कट के क्या हो जाएगा वही बचेगा। तो अगर हम दो से गुना करके नीचे भाग भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो से गुना करके भाग दे दिए, ये दोनों आप कटा देंगे तब तो वही चीज आ जाएगा कि नहीं। दो हम इसलिए लिए क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पे टारगेट, हमको क्या लाना है कि हाफ मल्टीप्लाई में लाना है। अब देखिए अब क्या करना है, तो हाफ आगे आ जाएगा, जब दो है तो दो कहाँ ले लिया, आगे हाफ आगे आ गया, बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इस दो को मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ, सबके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 को हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जैसे देखिए सपोज यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे संख्या है 3, यहाँ पे संख्या है इस टोटल ब्रैकेट के जगह पे संख्या है 3, और इस ब्रैकेट के संख्या मतलब जगह पर संख्या है कितना 6 मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई 2 है डिवाइड में 2 है, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको अगर हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 6 3 18, 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया तो क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 18, क्या आ रहा है, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर हम 2 2 को रहने दें, देखिए यहां पे हम रहने दिए हैं, अगर हम 2 को रहने दें तब क्या हो जाएगा, देखिए तब क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें चाहे इसके साथ करें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ एक किसी एक के साथ हम कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा 6 × 3 × 12/2, फिर 2 से कट जाएगा कितना टाइम्स 6 टाइम्स, वही 6 3 18 आया। चीज वही है, हम 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ करें या इसके साथ करें, हम इसके साथ इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई नहीं किए। समझ में आ गया आपको, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, क्या 2x स्क्वायर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तब 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तब 2x स्क्वायर। उसी तरह 2y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। क्या किया हम 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक किए, यानी दो भागों में विभाजित किए। अब देखिए क्या हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए आपको अरेंज करना है, क्या करना है अरेंज, अरेंज कैसे करेंगे, x स्क्वायर देखिएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 2xy,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई क्या होता है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो उसी तरह हम इसको एक्स स्क्वायर वाला को और वाई स्क्वायर वाला को और माइनस टू एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम उसके जगह पे हम लिख सकेंगे क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए किसको किसको लेंगे हम, इसको इसको और इसको अरेंज करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये खत्म। अब देखिए कौन बचा, अब कौन बचा, ये एक्स स्क्वायर बचा और ये वाई स्क्वायर बचा, जिसके अंदर अंडरलाइन ने किए हैं वो अभी बचा हुआ है। अब हमको क्या लाना है, y और z के फॉर्म में लाना है, x y वाला ले लिए, अब y और z वाला, तो y वाला देखिए यहाँ पे ये गया, एक z वाला इसको ले लेंगे और 2yz इसको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं उसको हम अरेंज कर रहे हैं एक तरफ, अब फिर प्लस, अब कौन बचा z माइनस x, तो z स्क्वायर और x स्क्वायर, तो यहाँ पे z स्क्वायर है प्लस का, यहाँ भी प्लस का z स्क्वायर x स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस क्या 2zx, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए क्या करना है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, अभी हम तुरंत बताए कि अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रहे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो इस रूप का है, हम इसको इस रूप का लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज तो हमको लाना था, देखिए क्या आया, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही मेरा लाने का टारगेट था जो कि आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सत्यापित कर सकते हैं, तो नीचे लिखेंगे इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो आपका ये सत्यापित हो गया, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड है, ये हमको दिखाना है, दर्शाना है। तो देखिए हमको फॉर्मूला किसका पता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का, तो लिख देंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे दो इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये हमको पता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो इस जगह हम जीरो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू जीरो, फिर इंटू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर, अगर किसी संख्या को जीरो से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या को तो क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल टर्म को क्या कर देगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है यहाँ भी गुना है, तो टोटल टर्म को क्या कर देगा जीरो, टोटल टर्म को क्या कर देगा जीरो। अब देखिए ये किसके इक्वल आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, ये आया। अब देखिए माइनस थ्री एक्स वाई जेड अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस थ्री एक्स वाई जेड,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस थ्री एक्स वाई जेड, माइनस थ्री एक्स वाई जेड था अपोजिट साइड गया तो क्या हो गया प्लस। अब देखिए जीरो को प्लस करेंगे कोई चेंज नहीं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यही आ गया, यही हमको प्रूफ करना था कि दिखाइए कि ये होता है या नहीं होता। तो देखिए क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ्ड कर सकते हैं, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो किसके इक्वल होता है उसका क्यूब, यानी तीनों का क्यूब। जैसे हम कोई संख्या बोलेंगे कि देखिए सिक्स और दूसरा है टू, सिक्स और टू और तीसरा है माइनस का एट, सिक्स टू एट माइनस एट, ये तीनों संख्या है। अगर हम बोलेंगे कि तीनों का क्यूब क्या होगा, यानी सिक्स का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस माइनस एट का क्यूब, यानी इसका क्यूब क्या आएगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे यानी योग करेंगे। अगर इसका योग जीरो आता है तब क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड, इसका मतलब थ्री इंटू सिक्स इंटू टू इंटू माइनस एट, कब जब ये जीरो होगा तब। तो जीरो देख लेते हैं कैसे होगा, तो सिक्स और टू, सिक्स प्लस टू और फिर इसको प्लस कर देंगे माइनस एट, तो सिक्स टू एट प्लस माइनस माइनस एट, तो जीरो आ गया यहाँ पे। तो जब ये तीनों का सम जीरो आ जाए, तीनों संख्याओं का सम यानी जीरो आ जाए, तीनों संख्या क्या एक्स वाई जेड जीरो आ जाए, तो उसका क्यूब यानी उस तीनों संख्याओं का क्यूब का योग, क्यूब का योग क्या होता है थ्री एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की जगह सिक्स है सिक्स, वाई की जगह पे टू है और जेड की जगह पे माइनस एट है, तो तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा मान, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन टू जा थर्टी सिक्स इंटू माइनस एट, तो हो जाएगा माइनस का टू एट एट। तो देखिए बिना घन किए, बिना घन किए आप इसका आंसर ला दिए, क्या बिना घन किए आप इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे, कि आपको बस देखना है कि तीनों संख्याओं का सम क्या आ रहा है यानी योग क्या आ रहा है। अगर जीरो आता है तब क्या कर देंगे थ्री एक्स वाई जेड कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी हमको इसका घनों का परिकलन नहीं करना है, ये नहीं कि घन तीनों का निकाल लेंगे फिर उसको प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना नहीं करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको वास्तव में सबका अलग अलग घन नहीं करना है और मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी हम बता दिए हैं, उसी टाइप में है ये क्वेश्चन। तो देखिए अगर तीन संख्याओं का क्यूब निकालना हो, सम है यानी जोड़ है, तो क्या करेंगे सबसे पहले उस तीनों संख्याओं का योग देखेंगे कि अगर जीरो आता है तब तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है तब क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके इक्वल हो जाएगा थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको तीनों संख्याओं का जोड़ देखेंगे कितना आ रहा है, तीनों संख्याओं का जोड़, पहला संख्या क्या है माइनस बारह, दूसरा क्या है सात, तीसरा क्या है पांच, तो माइनस बारह माइनस बारह और फिर प्लस बारह, ये तो कट जाएगा आ गया जीरो, तीनों संख्याओं का योग आया कितना जीरो। जब तीनों संख्याओं का योग जीरो आया तो हम क्या लगा देंगे, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस बारह का क्यूब प्लस सात का क्यूब प्लस पांच का क्यूब क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्स वाई जेड, एक्स की जगह पे कितना माइनस बारह, वाई की जगह पे सात और जेड की जगह पे पांच, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस तो आएगा ही आएगा। अब देखिए ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी और सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन, सिक्सटी और ट्वेंटी वन यह आ जाएगा वन टू सिक्स जीरो, तो माइनस का वन टू सिक्स जीरो इसका वैल्यू आ गया। सबसे पहले हमको चेक करना है कि उसका सम कितना आता है, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना आता है। उसी तरह यहां भी लिखेंगे, इसमें भी क्या तीनों संख्याओं का योग,
तीनों संख्याओं का योग सिर्फ निकालना है पहले। तो तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, पहला संख्या है 28, फिर है माइनस का 15, फिर माइनस का 13। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 28 प्लस माइनस माइनस 15 फिर माइनस 13, यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 13, ये भी आ गया जीरो। तो जब जीरो आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के इक्वल। 3x की जगह कितना हम इधर मिटा देते हैं, थ्री एक्स की जगह पे 28, ठीक है, और y की जगह पे माइनस का 15, z की जगह पे माइनस का 13। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, चलिए माइनस का काम खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 3 जा कितना हो जाएगा, 84, ठीक। और यहाँ पे कितना आ रहा, 15 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 195 और 84 कितना आ जाएगा, 22, 9, 4, 36 और फिर 2, 38, 3, 1, 4, फिर 44, 76, 7, 15, ये आ गया 0, 8, 16380, 16380, इन तीनों संख्याओं का घन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको घन निकालना है, ये नहीं कि अलग अलग कर दिए तीनों का घन निकाल, अलग अलग तीनों संख्याओं का घन कर दिए और फिर उसको प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमको सिर्फ चेक करना है पहले कि उस तीनों संख्याओं का योग कितना होता है, अगर योग जीरो आता है तब तो 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो योग आ गया था जीरो, इसमें भी आ गया था तीनों संख्याओं का योग जीरो, इसमें भी तीनों संख्याओं का योग जीरो आ गया था, तो जब जीरो आ गया था हम 3xyz कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे भी ये लाइन लिख सकते हैं, क्या, तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग। तो जब योग होगा तब ये आ जाएगा, तो जीरो आ गया तब तो काम बन गया मेरा, जीरो जब तीनों संख्याओं का योग आ गया तब तो मेरा काम बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरा, दिए गए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो हमको इसके लिए प्रत्येक के लिए लंबाई और चौड़ाई क्या आने वाला है, इसके लिए हमको व्यंजक देना है। तो देखिए कोई भी आयत है मेरा, सपोज इस तरह, ठीक है, ये चौड़ाई है ये लंबाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। अगर परिमाप की बात करें हम, तो परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये दो भागों में टूटेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दो भागों में ब्रेक हो जाए, यह क्या है, द्विघात बहुपद के रूप का है, तो इसको हमको दो भागों में ब्रेक करना है, गुणनखंड विधि लगा देते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब क्या करेंगे हम, अचर पद और ए स्क्वायर का गुणांक गुना करेंगे, तो क्या है 25 × 12, तो ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50 यानी 300 आ जाएगा। अब 300 से हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि सॉल्व करने पर माइनस 35 हो जाए और गुना करने पर तो आएगा ये कितना, 300। तो हमको इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, 5 5, फिर 5 से 1, यानी 2 2 3 5 5, इतना आया 2 2 3 5 5। अब देखिए अगर हम क्या लाना है हमको, माइनस 35a, तो कैसे आएगा देखिएगा, 5 × 10 10 × 20 20 आ गया, और 1 5 15 15, अगर दोनों माइनस में लेते हैं, माइनस 20 माइनस 15 तो माइनस 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 25a² माइनस 20a फिर माइनस 15a, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 35 है, गुना करने पर वही 300 और इधर क्या है, प्लस का 12। अब देखिए इससे कॉमन क्या लग सकते हैं, 25 और 20 में 5 दोनों मल्टीपल है, 5 को कॉमन ले लिया, a भी दोनों के साथ दिख रहा है, 5 a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, 5 5 25 5, और 2 को ये था, 1 को ये बच गया, माइनस 5 चौके 20, ये तो बाहर आ गया,
अब यहां देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां कॉमन आ जाएगा क्या, थ्री के टेबल में दोनों आए तो थ्री को कॉमन ले सकते हैं, ए नहीं है दोनों के पास और नहीं लेंगे क्या हो जाएगा, थ्री फाइव जा 15 और ए, फिर प्लस देखिए माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस माइनस तब क्या हो जाएगा प्लस जो कि दिया हुआ है, और 12 कितना टाइम्स में, फोर टाइम्स में, अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए 5a माइनस 3, एक बार इसका गुणांक एक बार इसका गुणांक, अब फिर क्या दो बार जो आया क्या आया 5a-4 और 5a-4, इसको एक बार लिखना है। अब देखिए संभव क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या संभव है, तो हम लिख सकते हैं क्या लंबाई, अगर हम 5a में 3 को घटाएं और 4 को घटाएं तो बड़ा मान किसका होगा, 3 को घटाएंगे जब तो लंबाई क्या हो जाएगा 5a-3 और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा कितना 5a-4, 5a में 3 को घटाएंगे और 5a में 4 को घटाएंगे तो छोटा मान क्या होगा, छोटा मान होगा जब 4 को घटाएंगे इसलिए हम उसको चौड़ाई ले लिए, ठीक है, और 3 को घटाएंगे तो बड़ा मान होगा इसलिए हम उसको लंबाई ले लिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको देखते हैं, इधर पूरा मिटा देते हैं, अब देखिए ये जो है क्या 35y² + 13y-12, तो यहां भी वही फॉर्मूला करेंगे यूज, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है 35y² + 13y-12, तो अचर पद क्या है यहां पे 12 और वाई स्क्वायर का गुणांक 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 35 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा 70 और 35 420, अब 420 से हमको मान लेना है, संख्या निकालना है, तो कैसे आएगा तो 210 आएगा, फिर 2 से 105, 3 से फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, अब हमको इससे संख्या निकालना है, क्या आएगा देखिए 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 28, यानी 28 × 15 करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13 + 13 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा 35y² क्या लिख सकते हैं +28y और माइनस का 15y, तब कितना हो जाएगा 13y - 12, इससे कॉमन क्या लेंगे, इससे कॉमन आ जाएगा देखिए 35 और 28, यानी 7 के टेबल में 7 ले सकते हैं कॉमन, y भी दोनों के पास है 7y कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया 75 जा, यानी 5 35 कितना बार में 5 बार में, y 2 स्क्वायर था तो एक y बाहर आ गया, क्या बचा 1y बचा, प्लस 28 चार बार में और y तो बाहर आ गया, माइनस 15 और 12 किसके टेबल में है 3 के टेबल में, 3 y तो दोनों के पास नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 और y फिर 12 के बार में चार बार में, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी 5y + 4 सेम आ गया, अब क्या हो जाएगा एक बार लिखना है दोनों का गुणांक, एक बार 7y-3 और एक बार 5y + 4, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या क्या संभव है, अब लंबाई और चौड़ाई क्या क्या संभव है उसको देखिए ध्यान से, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या क्या संभव है, लंबाई 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 क्या हो सकता है मेरा, अगर हम y का मान 1 रखेंगे, अगर हम y का मान 1 रखेंगे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई, तो ये और ये गुना के रूप में आ गया, तो हम लंबाई अब किसको मानेंगे ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 रख लें y का मान 1, यहाँ भी y का मान 1, तो कितना हो जाएगा 7 × 1 - 3, यानी 7 - 3 = 4 आ गया, और यहाँ पे y का मान अगर 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो 5 × 5 = 4, 9, यानी यहाँ 9 आ गया, यहाँ कितना आ गया 4, इसका मतलब बड़ा वैल्यू ये है 5y + 4, तो लंबाई क्या हो जाएगा 5y + 4 और चौड़ाई चौड़ाई क्या आ जाएगा 7y - 3, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको उस गुणनखंड इस जैसे ये दिया हुआ है इसको पहले आपको गुणनखंड करके उसको दो भागों में ब्रेक करना है, दो भागों में, क्योंकि क्षेत्रफल आयत का क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो दो भागों में उसको ब्रेक किया कैसे गुणनखंड विधि से, तो दो भागों में ब्रेक हो गया तो पहला और दूसरा आ गया, अब हम किसको लंबाई और चौड़ाई बोलेंगे तो उसको हम चेक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखिए 5a-3 है 5a-4 है,
यहाँ माइनस पांच एम माइनस तीन हो रहा है, यहाँ पांच एम माइनस चार हो रहा है, इसका मतलब ये बड़ा मान है, इसलिए हम उसको लंबाई ले लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। देखिए इसका जो दिया हुआ है ये क्या है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। किसका आयतन? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का शेप ऐसे होता है, ठीक है, हम हल्का में ऐसे समझाने के लिए बना रहे हैं, ऐसे घनाभ होता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसका आयतन की बात करें अगर हम, आयतन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई सब गुना में होता है, तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होता है उसका आयतन। अब हमको इसका आयतन निकालना, आयतन दिया हुआ है, इसका हमको तीनों विमा निकालना है। कौन तीनों विमा? यानी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए देखेंगे आयतन बराबर, आयतन बराबर, आयतन कितना दिया हुआ है, 3x² - 12x। इससे कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इससे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3, क्योंकि यहां भी 3 का मल्टीपल है, x भी दोनों के पास है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 3x तो आ गया बाहर, एक वो x बच गया, x कितना था यहाँ, x² था, तो इसमें 1x बाहर आ गया, 1x बच गया, माइनस 12, कितना बार में, 4 बार में, x तो बाहर ले लिए। अब देखिए इसको हम 3x और x माइनस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × x फिर इंटू में x माइनस 4, इसका मतलब ये भी बीमा हो गया, ये बीमा हो गया, ये बीमा हो गया, ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्या संभव है कि ना। तो हम तीनों बीमा में क्या लिख सकते हैं, 3 और दूसरा में x, तीसरा बीमा x माइनस 4। तो लिखेंगे तीनों विमाएं बराबर, तीनों विमाएं बराबर क्या क्या, पहला 3 कोमा कोमा दूसरा क्या x तथा तीसरा क्या x माइनस 4, ये हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं क्या, तीनों को गुणा में लिख सकते हैं, इसीलिए ये तीनों मेरा संभव है, अतः दे सकते हैं इसमें अतः। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यानी 16 का सेकंड, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट क्या हुआ है कि यहाँ पे 6 के जगह पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, आपको सही कर लेना है बुक में, 6 के जगह पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, तो आपको 8 कर लेना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए आयतन कितना दिया हुआ, आयतन कितना दिया हुआ, 12ky² + 8ky - 20k। अगर हम इन तीनों से कॉमन लेने के कुछ बात करें तो क्या ले सकते हैं, 12, 8 और 20, यानी 4 के टेबल में तीनों है, 8 के टेबल में तीनों नहीं आ रहा, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, k भी सबके पास है, k भी ले लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 4 × 3 = 12 और फिर k तो बाहर ले लिए 3y² + 4 × 2 = 8 और k बाहर ले लिए तो सिर्फ y -4 × 5 = 10 और k तो बाहर ले लिए, इतना हो जाएगा। अब देखिए 4k 3y², अब देखिए इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दो भागों में विभाजित हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे इतना हो जाए, जैसे 5 × 3 = 15 हो रहा, 15 तो क्या हो जाएगा 3 और 5, अगर हम 5 × 3 करेंगे, 5 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5y - 3y और माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k, इस दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ये दोनों से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा मेरा, 3y, क्योंकि 2y था यहाँ पे, y का स्क्वायर था, 1y बाहर आ गया तो 1y बच गया, 3 तो ये, प्लस यहाँ से y कॉमन ले लिया क्या बच जाएगा, 5, यहाँ से माइनस, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन ले लेंगे, 1, तो 3y माइनस कॉमन ले लिया प्लस 5। अब देखिए तीनों जो विमा मेरा निकल के आया यानी भुजा जिसको कहते हैं, तो तीनों भुजा क्या निकल के आया, आप नीचे लिखेगा, मेरा स्पेस नहीं था इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, एक आया 4k और इसको देखिए यहाँ 3y + 5 है और यहाँ भी 3y + 5 है, इसको एक बार लिख देंगे 3y + 5 और दूसरी बार क्या y और इसका गुणांक -1, तो y -1, तो एक भाग ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, लिखेंगे अतः तीनों विमाएं
विमाएं बराबर पहला क्या 4k, दूसरा क्या 3y प्लस 5 और तथा तीसरा क्या y माइनस 1। ठीक है, तो तीनों विमाएं बराबर क्या 4k और दूसरा क्या 3y प्लस 5 तथा y माइनस 1। तो ये आ जाएगा इसका तीनों बीमा ये था, इसका तीनों बीमा ये है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में टोटल इतना ही सवाल था, यानी एक्सरसाइज 2.5 में, एक्सरसाइज के टोटल सवाल इतना ही था, एक्सरसाइज 2.5 में टोटल सवाल हम सॉल्व कर दिए हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर 2 टोटल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।